हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू बैक माय चैनल एंड मैं हूं सारिका। वैसे आज है फ्राइडे। सोरा ने आज इतना ज़्यादा सताया है सुबह, बाप रे, कुछ पूछो मत। बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब आज इतना, मतलब मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, बट उस वक्त मैं उस पर गुस्सा नहीं कर सकती, क्योंकि गुस्सा अगर करूँगी उस पर तो वो ज़्यादा, और मतलब उसका भी चिड़चिड़ापन ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ उसने क्या किया। एक मिनट, ये देखो, ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये देखिए, पूरा मतलब ग्लास उसको उसको हाथ मार के, उसका जो कॉफी मग है, मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा किचन फैला है रात का सारा काम वैसे बाकी है। ये देखिए, ये वाला उसने कप ऐसे हाथ लगा के, उसको जब मैं डांट रही थी तो एक्चुअली गलती मेरी है, मेरी वजह से है, वो हुआ है, ऐसा ही कहना चाहिए। यहाँ पर देखिए, 10 बजे तक मेरा काम ऑलमोस्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए, पूरा बेड फैला हुआ है। ये मेरी डायरी, अभी मैं वो मेरे दूध वाले को फ़ोन करके बोल दूँगी कि आज दूध मत दीजिए। तो सच में जब बहुत बुरा लगता है बच्चों को डांटना, बट कभी कभी डांटना मतलब ऐसा उन्हें मारना फटकारना नहीं है, डांटना मतलब थोड़ा सा बढ़िया के करके, उन्हें थोड़ा गुस्सा करके। आज वैसे वो बहुत नाराज़ होके गई है, पता नहीं अब क्या करेगी, क्या नहीं, खाना भी खाएगी या नहीं, उसको टिफिन में फिर पूछा तो क्या देना है, तो कुछ नहीं चाहिए मुझे, मतलब मराठी मध्य काय दे पिल्लू तुला डब्यात, काय नको मला डब्यात, कैसा एक्टिंग मिले। और जब उसने दूध गिराया ना, तो फिर उस वक्त मुझे सॉरी बोला उसने, फिर बाद में उसे मैंने डांटने के बाद उसने मुझे बिल्कुल बात नहीं की। रास्ते में जाते वक्त मैंने उसे फिर बोला कि मैं अब तुझे लेने के लिए भी नहीं आऊँगी, पापा को भेज दूँगी, तो बहुत ज़्यादा फिर गुस्सा हो गई, ऐसे आँखों से गंगा जमुना बहने लगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। फिर उसको आते वक्त बोला कि फिक्र मत कर, मैं तुझे लेने आ जाऊँगी, तो एक छोटी सी स्माइल दे दी और फिर चली गई मैडम क्लास में, पता नहीं अब क्या करेगी। होमवर्क नहीं कर रही है अपना, स्कूल में पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, स्कूल में ध्यान नहीं दे रहा है, थोड़ा सा उछल को ज़्यादा कर रहा है। तो फिर उनके मैम ने भी कहा कि नहीं कोई बात नहीं, बच्चे तो ऐसा करते हैं। मैं भी उस बात से एग्री करती हूँ, वो इतनी बड़ी तो है नहीं कि उसे बहुत ज़्यादा समझ है एंड बहुत ज़्यादा कुछ उसे ये होना चाहिए, बट हर चीज़ पे, हर लेवल पे बच्चों को उस वक्त उसे डांटना जरूरी। आज वो रो रही थी, वैसे उसे स्कूल नहीं जाना था, अगर मैं उसे स्कूल जाने के लिए, वो रो रही है, उसे देखकर मुझे भी लग रहा था यार चलो जान दो, कोई बात नहीं, आज के दिन नहीं भेजते स्कूल, बट अगर एक बार मैं ऐसा करूँगी ना तो बाद में वो वैसे ही करेगी, नहीं मैं अगर रोती हूँ ना तो मम्मा मुझे स्कूल नहीं भेजती। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि मेरा कहाँ तक, ये सब भी देख रहे हैं वैसे मैं ना, वो अभी मैं चैप्टर क्लोज करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। जब वो आएगी ना तो उससे उसका एक वीडियो करके मैं आपको दिखाई। वैसे मेरे एक फ्रेंड ने भी पूछा है कि स्वरा नहीं दिख रहे आजकल, तो उसका एक वीडियो बना के, ये सब्जी है ना, इसे हमारे यहाँ पे चिकड़े भाजी बोलती है, अनियन डाल के यानी कि प्याज डाल के क्या मस्त सब्जी बनती है, तो वो मैं आप लोगों के साथ जरूर। उससे ना ये क्या बोल दिया बेटा अपने आप, ऑन कैमरा बोले, वो बोल रहे क्या बोला? अच्छा ये कह रही है पापा आपको डांटते इसलिए आपके बाल गिर रहे, मतलब झड़ रहे है ना, इतना प्यारा बच्चा है बेटा। नहीं बाबा, पापा मुझे कभी नहीं डांटते हैं, मैं ही पापा को डांटती रहती हूँ, अब तुम्हें डांटती हूँ, वो पापा को डांटती हूँ, है ना, गुस्सा करती हूँ मैं। इसका
साफ कर देंगे, फिर बाद में पूरा फर साफ करूंगी ना, तो एकदम अच्छे से कर देंगे। ये देखो, ये मैं यहाँ पे तवा पुलाव बना रही हूँ। ऑलरेडी मैंने ये बना लिया है, राइस वटाना राइस बनाया है, बट फीका वाला बनाया था। तो मैंने ये तवे में थोड़ा सा स्वरा के लिए रोटी बनाई थी, तो गर्म था तवा, तो इसको मैंने सिर्फ गर्म करके लिया है तवे में, लाल मिर्च पाउडर डाल के। इस पर मैं डालूँगी थोड़ा सा ऊपर से अनियन, टोमेटो यानी कि प्याज, टमाटर एंड खीरा यानी कि कुकुम्बर। तो ये बहुत ही टेस्ट में बढ़िया लगता है, और दही, हाँ हाँ, मज़ा ही कुछ और है, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड इसमें अगर आप लोग अंडा डाल के खाओगे ना, तो वो तो बहुत ही बढ़िया लगता है। जो मतलब नॉनवेज के क्या बोलते हैं, प्रेमी है, लवर जिन्हें नॉनवेज खाना पसंद है, तो वो लोग इसमें अंडा डाल के भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा एंड टेस्टी, मतलब अंडा ऑमलेट। तो ये देखिए, ये इस तरह से मैंने आज, ये है मेरा आज का लंच यानी कि दोपहर का खाना। चलिए बनाते हैं हम लोग महाराष्ट्र स्टाइल की कोशिंबीर। इसके लिए लगेगा हमें थोड़ा सा कुकुम्बर, यानी कि मैंने दो कुकुम्बर लिए, एक छोटा सा मीडियम साइज़ का टोमेटो लिया है, एक छोटा सा मीडियम साइज़ का अनियन लिया है, एंड यहाँ पे थोड़े से मैंने पामग्रेन यूज़ किए हैं यानी कि अनारदाना। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस डिब्बे में मिक्स करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये पहले जाएगा मेरा कुकुम्बर। आप चाहे तो ये कुकुम्बर कद्दूकस करके भी ले सकते हैं यानी कि खीरा। तो उसके बाद जाएगा इसमें थोड़ा सा अनियन, उसके बाद जाएगा थोड़ा सा टोमेटो, फिर उसके बाद उसमें ऐड होगी शक्कर। बट अभी मैं ये जो पामग्रेन है अभी नहीं डालूंगी, क्योंकि इससे ना थोड़ा सा कलर आता है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये मैं कोरिएंडर लीव्स ऐड करूँगी। कोरिएंडर लीव्स ऐड करने के बाद थोड़ी सी शक्कर जाएगी,
शक्कर के बाद थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आपको जितना जिस क्वांटिटी में नमक चाहिए आप उतना ऐड कीजिए। मुझे थोड़ा सा कम लगता है तो मैं थोड़ा सा कम ही करूँगी, बट हाँ इसमें ज़्यादा शक्कर भी ऐड करोगे तो कुछ नहीं, बहुत ही अच्छा बनता है, मीठी कुछ भी बहुत अच्छी बनती है। और इसमें जाएगा ये थोड़ा सा दही, आप इसे रायता भी कह सकते हैं, हमारे यहाँ पे इसे चटनी भी कहते हैं, कोशिंबीर भी कहते हैं, खास करके कोशिंबीर कहते हैं। मेहमान घर में आते हैं तो तब हमारे घर में ये खास करके बनता है, सारी सब्जियों का यू नो सारी वेजिटेबल्स का क्या बोलते हैं उसको, अरे अभी तो मैंने बोला था, ये मेरा प्रॉब्लम हमेशा का ऐसा, कोशिंबीर, कोशिंबीर महाराष्ट्रियन कोशिंबीर। तो ये जो राइस है ना, तो ये राइस मैं स्वरा को थोड़ा सा खिलाऊंगी, पता नहीं ये खाएगी या नहीं, पता नहीं, क्योंकि उसे अनियन बिल्कुल पसंद नहीं है, बाकी सारी वेजिटेबल खाएगी बट अनियन कभी नहीं खाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्रियन कोशिंबीर आपको कैसे लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। लवली, बहुत सुंदर लग रही है ना, एकदम कलरफुल, मेरे तो मुंह में अभी पानी आ रहा है। रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी ग्रेवी बनाने का मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज का टोमेटो, एक मीडियम साइज का दो अनियन चाहिए, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन, थोड़े से हरे धनिया। इन सभी चीज़ों की हमें एक फाइन पेस्ट बनानी है मिक्सी के जार में, एकदम फाइन पेस्ट बनानी है। एंड बस थोड़ा सा ऑयल डालिए, ये सारी फाइन पेस्ट उसमें डालिए। एंड अगर आप मटर की सब्ज़ी बना रहे हो तो बस मटर की सब्ज़ी या फिर जो भी हो, बैंगन, बैंगन हो, आलू हो, फ्लावर हो, ब्रोकली हो, चाहे आप जो बना रहे हो बस यही ऐड करके आप इसमें नमक एंड आपके जो भी मसाले होंगे, स्पाइसेस होंगे, तो वो ऐड कीजिए। बस हो गए आपके रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी सब्ज़ी। हेलो एवरीवन, एंड अभी हम लोग मिल रहे रात के 12:15 बजे, मेरा लगभग पूरा किचन का काम हो गया है, गैस का कॉक बंद कर देती हूँ मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा ये किचन भी पूरा क्लीन करके हो गया है, ये देखिए। और अभी हम चलते हैं स्वरा के पास, पहले मैं किचन की लाइट बंद कर देती हूँ, ये हो गई, डोर मैंने लॉक किया है, मुझे अच्छे से मालूम है। कांच से कोई खेलता है क्या बच्चा? कांच से कोई खेलता है? एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए क्या कर रहा है। कौन सा कलर भाई? कौन सा कलर? क्या कर रहे हैं? मेरे कपड़े कैसे इधर उधर गिरे हैं, देखो स्वेटर ये वो, मैं आपको एक नजर दिखाती हूँ। चाहे जितना करो, एक मोम के लिए काम हमेशा बढ़ता है। ये देखिए, ये मेरे नए कपड़े हैं सर, मैं आपको ये जरूर दिखाऊंगी। एक्चुअली मेरी दिल आई है मेरे लिए। तो चलिए फ्रेंड, ये देखिए सारा, चलो सारा सबको बाय कर रही है, आओ फ्रेंड्स।
हाँ क्या बोल रहे हैं आपको बोलो इसको नहीं ऐसे इशारा करके बातें करो मम्मी वाला हाँ बोलो मम्मी वाला घर छोटा अच्छा या उसका एक हाउस है मैंने आपको इसका शेयर किया मतलब जो लोग मुझे फॉलो करते वो लोग जानते हैं कि स्वरा का एक हाउस है तो वो अभी मुझे उसको ठीक करके बाहर हॉल में लगाना है एंड उसके यहाँ पर ऊपर सारे टेढ़ी वगैरह है तो वो निकली निकाल के उसके ही देना है तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा देखिए ऐसे चल रहे बस का किस बात के लिए बस का चल रहा है कल सैटरडे है बोल रहे मम्मा हम लोग कहीं घूमने जाते हैं मैंने बोला ठीक है चलो देखते हैं कहीं जाते हैं तो कल अगर जाएंगे तो कल आपके साथ जरूर शेयर करेंगे बट ज़्यादा करके जब से यहाँ पे आई हूँ ना पूनम यहाँ तो कोई बाहर जाने का कोई मतलब मौका ही नहीं मिल रहा है उल्टा जाने के लिए वैसे मॉल वगैरह ये सब जाने के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता ज़्यादा हमेशा मॉल में जाओ ये जाओ ऐसा कुछ नहीं है मेरा थोड़ा सा नेचर हो थोड़ा सा यू नो कुछ अलग हो कुछ नया हो तो उस जगह जाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो चलिए फ्रेंड्स ज़्यादा अभी बात नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड जो भी हम लोगों को मतलब डेली रूटीन होता है इंडियन मॉम डेली रूटीन इंडियन हाउस वाइफ मतलब जो भी मेरे ब्लॉग होते जैसे कि आप लोग जाते एकदम नेचुरल होते तो चलिए अभी स्वरा बाय करेगी स्वरा बाय करो सबको बाय करो बाय तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स गुड नाइट